सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 के बारे में, इस ल्यूकवार्म वाटर सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे 8 मिनट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आप 7 लेक्चर देख चुके हो। आप अभी तक कहां तक बात कर चुके थे मेरे साथ? सुपर एलिवेशन तक बात कर चुके थे। तो अब हम सुपर एलिवेशन के आगे देखेंगे कि हम क्या क्या बातें देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सीरीज को। तो मैंने वाला देखना जरा यहाँ पे, सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो व्हाई दिस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, ये भी आप लोगों से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बताया कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, क्यों प्रोवाइड किया गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो मैंने बोला देखो, टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। जब भी आपके व्हील बेस, आपको पता है कि आपका व्हील बेस रिजिड रहता है, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, एक फिक्स्ड डायमेंशंस का रिजिड बेस रहता है, आपका बेस जो रहता है वो रिजिड रहता है, इसलिए एक ऑफ ट्रैकिंग देखने को मिलती है। अब ऑफ ट्रैकिंग क्या है सर? तो ऑफ ट्रैकिंग एक बड़ी टर्म है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैंने बोला टू काउंटर एक्ट द ट्रांसवर्स स्किडिंग। अब ट्रांसवर्स स्किडिंग क्या है सर, ये भी नहीं पता है। तो मैंने बोला ट्रांसवर्स स्किडिंग का मतलब है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, जब भी आप रोड पर मूव कर रहे होगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जब आप स्किडिंग को देखते हो उसको ट्रांसवर्स स्किडिंग बोलते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज अलोंग द लेंथ एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जो आपने देखा। ठीक है सर, मैंने थर्ड बात करी टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एट द कॉर्नर्स, क्योंकि आप ज्यादा विड्थ प्रोवाइड कर रहे हो एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, इसलिए आप देखते हो कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर प्रोवाइड करोगे तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, मैंने फोर्थ देखिए टू एनकाउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी व्हाइल ओवरटेकिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो जो आपकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है, जब भी आप ओवरटेक करते हो तो आप ज्यादा डिस्टेंस पर करते हो, तो जब आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने जानबूझ के एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करी है, जिसको आपने क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। चलिए आइए, ठीक है, ये बात तो सर हमारे समझ में आई। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आती तो देखिए जरा यहाँ पे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने ऑफ ट्रैकिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखिए जरा यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया है, एक ऑफ ट्रैकिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। तो व्हाट इज दिस ऑफ ट्रैकिंग? तो मैंने बोला देखो, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हैवी, एक फास्ट मूविंग व्हीकल ऑफ ट्रैक हो सकता है? आपने बोला हाँ हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा क्या एक स्लो मूविंग व्हीकल ऑफ ट्रैक हो सकता है? आप बोलेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको बताना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को रोको और कमेंट करो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हो। अब देखो, मैंने बोला एक फास्ट मूविंग व्हीकल भी ऑफ ट्रैक हो सकता है, एक स्लो मूविंग व्हीकल भी ऑफ ट्रैक हो सकता है। तो सर ऑफ ट्रैकिंग का मतलब क्या है? लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, ऑफ मतलब बाहर जाना, ट्रैक से बाहर जाना, तो दिस इज नॉट ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, दिस इज नॉट ऑफ ट्रैकिंग। तो सर ऑफ ट्रैकिंग क्या है? तो मैंने बोला जैसे ही आपकी गाड़ी का एक रिजिड व्हील बेस आपको देखने को मिलता है कि ये आपके फ्रंट एक्सेल है आपका, और ये आपका रियर एक्सेल है, इसको बोलते हो आप रियर एक्सेल बोलते हो, इसको बोलते हो आप फ्रंट एक्सेल, और इसको बोलते हो आप रियर एक्सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? रियर एक्सेल। तो मैंने बोला देखो, जब तक ये स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा होगा तो रियर एक्सेल फ्रंट एक्सेल के पाथ को फॉलो कर रहा होगा, जो भी फ्रंट एक्सेल का पाथ जा रहा होगा उसी के पीछे पीछे आपका रियर एक्सेल मूव कर रहा होगा। लेकिन जब आप इसको मूव कराते हो किसी कर्व में, तो आपका फ्रंट एक्सेल दूसरे डायरेक्शन में जाता रहता है और रियर एक्सेल कहीं और मूव कर रहा होगा। कब बात कर रहे हैं हम? ये किसी एक हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करा रहे हैं इसको। ठीक है, जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कराते हो तो आपका जब रियर एक्सेल इज नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ फ्रंट एक्सेल, इट इज कॉल्ड एज ऑफ ट्रैकिंग। तो ये आपको समझ में आया कि ऑफ ट्रैकिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो जरा, जब भी आप टर्न मूव करो, जब भी आप टर्न पे जाओगे तो देखो विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका ड्राइवर चाहेगा कॉर्नर से कॉर्नर पे लूं मैं गाड़ी, तो उसको विजिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो हमने यहीं से वो बात कर ली। स्किडिंग की बात करेंगे तो देखो, ये इस डायरेक्शन में स्किड हो रहा होगा, ट्रांसवर्स स्किडिंग देखने को मिलेगी आपको, तो ये भी बात कर ली। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो देखो जरा यहाँ पे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने बोला देखो, फॉर्मूले की अगर कोई भी बात करेगा तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का सम। ठीक है सर, मैंने ना मैकेनिकल वाइडनिंग को WM और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को WP बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, मैकेनिकल वाइडनिंग होता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग पूछेगा। तो ये रहा मैकेनिकल वाइडनिंग, दैट इज NL² / 2R, दैट इज NL² / 2R। और मैंने बोला अगर आपसे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछेगा तो आप बोलेंगे इट इज कैपिटल V/9.5√R के बराबर। ठीक है सर, मैंने देखो जरा यहाँ पे, ये जो L² / 2R है यहाँ पे, केवल जो L² / 2R आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हो आप ऑफ ट्रैकिंग। मैंने बोला इसी को बोलते हो आप, क्या बोलते हो? ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। तो L² / 2R को हम लोग बोलते हैं सर ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो N रिप्रेजेंट कर रहा है, ये N यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने जब यहाँ पे बात करूंगी, ये एल कौन है? ये एल आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस है। मैंने ये लेंथ ऑफ व्हील बेस है। अगर आपको ये
क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप इसे एल की वैल्यू जनरली 6 मीटर कंसिडर करेंगे या आर आपका रेडियस है मीटर्स में। मैंने यहां पर भी ये आपकी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कैपिटल वी यहां पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वेलोसिटी है ये केएमपीएच में देखने को मिलेगी आपको। और मैंने बोला यहां पे अगर मैं आर की बात करूंगा तो ये रेडियस ऑफ कर्व है जो कि आपको मीटर्स में देखने को मिलेगा। तो ये हुई बात किसके बारे में, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के बारे में। मैंने देखो एक और चीज बताता हूं आपको यहां पे कि हाउ दिस प्रोवाइडेड, ठीक है, हाउ दिस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू योर कर्व। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे आर अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से ज्यादा है तो आप बोलते हो नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, आपको कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से ज्यादा है। तो मैंने आर लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 300 तो यहाँ पे क्या बोला, प्रोवाइड हाफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन बोथ द साइड, ठीक है, इसको भी देख लेते एक बार। और मैंने बोला अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व लेस देन 50 मीटर है देन यू विल प्रोवाइड ऑल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, ठीक है सर। एक बार सर बना के बता देंगे तो मजा आ जाएगा। मैंने बोला ये देखो बना के बता देते हैं आपको, मैंने ये देखो बना के बता देते हैं, मैंने ये रहा आपका कर्व, कोई भी आपका कर्व है, ये रहा आपका कर्व, ठीक है, ये आपका कर्व है। मैंने ये कर्व आपको कैसा देखने को मिलता है, तो आपने बोला सर देखिए ये कर्व मेरे को ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे होती है सर स्ट्रेट ट्रैक होता है, सर यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी स्ट्रेट ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर। मैंने बोला यहाँ पे देखो जरा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिलेगा ट्रांजिशन कर्व, कौन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कौन देखने को मिलेगा ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलेगा। और मैंने बोला यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाएगी तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे होगे, यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर कर्व देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर कर्व देखने को मिलेगा। मैंने आप देखना जरा यहाँ पे सर्कुलर कर्व देखने को मिलेगा, मैंने कैसे प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो मैंने बोला अगर आर ग्रेटर देन 300 है तो आपको कोई प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात। मैंने आर जब 50 से 300 के बीच में लाए कर रहा है, आर जब आपका 50 से 300 के बीच में लाए कर रहा है तो हाफ इनर साइड है एंड हाफ आउटर साइड। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप कैसे प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये देखिएगा जरा, मैंने बोला यहाँ से स्ट्रेट से हम स्टार्ट करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग वैल्यू आई है यहाँ तक डब्ल्यू ई बाय टू प्रोवाइड कर दी जाती है, हाफ ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग वैल्यू जो भी आएगी ये डब्ल्यू ई बाय टू कॉन्स्टेंट रहेगी सर्कुलर सेक्शन में, ठीक है, ये डब्ल्यू ई बाय टू कॉन्स्टेंट रहेगा सर्कुलर सेक्शन में और ये वापस जाके कितना हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा जैसे ही स्ट्रेट करवाने वाला होगा, ठीक है, ठीक सर। यहाँ पर भी बता दीजिए, मैंने बोला देखो हाफ तो नीचे प्रोवाइड कर दिया, हाफ ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बाय टू के बराबर, ठीक है सर, ये कांस्टेंट रहेगा आपका डब्ल्यू बाय टू, मैंने ये कांस्टेंट रहेगा डब्ल्यू बाय टू और ये वैल्यू जाके कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर। देखो इस तरीके से आप प्रोवाइड करते हो एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैंने दूसरा केस बात करते हैं, मैंने देखो दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरा केस देखिएगा जरा यहाँ पे, जब आर आपका लेस देन 50 मीटर रहेगा, मैंने बोला जब आपका आर जो रहेगा वो लेस देन 50 मीटर रहेगा तो पूरी पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप कहां प्रोवाइड कर देंगे, इनसाइड द कर्व प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो जरा यहाँ पे ये रहा आपका कर्व, मैंने बोला ये रहा आपका कर्व, ठीक है, ये आपका कर्व है, वही आपका इनर सर्कुलर ट्रांजिशन कर्व, और ये रहा आपका, देखिए जरा यहाँ पे ये है आपका स्ट्रेट कर्व, ये है ट्रांजिशन कर्व और ये है सर्कुलर कर्व बीच में, ठीक है सर। मैंने बोला देखो आपको क्या बोला, मैंने यहीं पे इनर साइड में प्रोवाइड करना है आपको पूरी, तो मैंने यहां तक जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू बाय टू के बराबर हो जाएगी और यहां पर फिर ये कांस्टेंट रहेगी सर्कुलर केस में पूरा, डब्ल्यू बाय टू के बराबर कांस्टेंट देखने को मिलेगा डब्ल्यू बाय टू के बराबर और ये वैल्यू फाइनली जाके जीरो हो जाएगी, मतलब और ये वैल्यू फाइनली जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गई। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हो जब भी आपसे बात की जाती है। तो आई थिंक एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने बोला मैकेनिकल वाइडनिंग दैट इज एन एल स्क्वायर बाय 2R प्लस कैपिटल वी बाय 9.5 रूट आर। एक अच्छा क्वेश्चन आराम से फ्रेम किया जा सकता है, एक बड़े क्वेश्चन का पार्टिसिपेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपसे कोई भी ट्रांजिशन कर्व का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे बीच में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात कर ली जाती है। तो ये एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट भी बन सकता है और एक इंडिविजुअल कंसेप्ट पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आर की वैल्यू पूछी जाती है कई बार आपसे, कई बार ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू दे दी जाती है और डायरेक्ट आपको वैल्यूज निकाली जाती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ऑब्वियसली देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही बताना था आपको, ठीक है। तो सी यू गाइस, मिलता हूं आप लोगों से कल, तब तक लाइक करो इसको, सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आई एम टेलिंग यू कि यार कम हो रहे हैं व्यूज, कम हो रहे हैं, दैट इज बैड थिंग, ठीक है। तो ये सीरीज को अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आई एम टेलिंग यू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, लाइक इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय और मिलता हूं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे।